Assalamualaikum students of the learners, please open your books, basic science concepts, page number 6060, unit number 16. Choose the correct options. Number one hai, dash is a cold season, spring or weather. Students, cold season कौन सा है? Winter. कौन सा है? Winter. Winter को tick करेंगे और डैश में लिख देंगे, W कैपिटल लिखेंगे, विंटर, W I N T E R, विंटर. नंबर टू है, इन डैश इट इज हॉट, ऑटम समर. हॉट सीजन कौन सा है? समर. समर को टिक करेंगे और लिखेंगे S कैपिटल, S U डबल M E R, समर. नंबर थ्री है, लीव्स फेल इन डैश ऑटम स्प्रिंग. स्टूडेंट्स, पत्ते किस मौसम में गिरते हैं? ऑटम में. ऑटम को टिक करेंगे और लिखेंगे ऑटम, ऑटम A U T U M N, autumn. Okay students, number four है, leaves turn green in dash. पत्ते कौन से मौसम में सब्ज होते हैं? Winter, spring. किस में होते हैं? Spring में. यहाँ पे क्या लिखेंगे? Spring, S P R I N G, spring. Okay students, जी next है, choose the correct word using the World Bank and fill in the blanks. Students, ये क्या है? World Bank है. हमने correct word choose करना है और blanks में लिखना है. अब आप मुझे बताएं कि इस picture में कौन सा सीज़न शो हो रहा है? फर्स्ट पिक्चर में कौन सा सीज़न शो हो रहा है? ग्रीनरी है और फ्लावर्स भी हैं, तो कौन से मौसम में लीव्स टर्न ग्रीन हो जाते हैं? स्प्रिंग में. किस में? स्प्रिंग में. हम स्प्रिंग वर्ल्ड बैंक से देख के यहाँ लिखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, स्प्रिंग लिखें, स्प्रिंग. नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पिक्चर में कौन सा सीज़न शो हो रहा है? विंटर. कौन सा? विंटर. विंटर वर्ल्ड बैंक से देख के आप लोग यहाँ लिखेंगे, विंटर. नेक्स्ट देखें, कौन सा सीज़न है? ट्रीज़ पे सारे जो पत्ते हैं वो पीले रंग के हैं, तो इसमें कौन सा सीज़न है? आटम. कौन सा सीज़न है? आटम. हम यहाँ पे आटम लिखेंगे, आटम. नेक्स्ट लास्ट वन, कौन सा सीज़न है? देखें, सन है, हॉट डे. क्या आएगा? समर. क्या आएगा? समर. यहाँ पे समर लिखेंगे, समर. पेज नंबर 60 डन हो गया. नेक्स्ट क्या करना है? आपने वर्क टास्क ओपन करना है, सेल्फ एंड सोसाइटी. हम पिक्चर्स में कलर कर चुके हैं, लास्ट वन हमारा बाल रह गया है. आज हम बाल में कलर करेंगे. आपने बाल में कलर करना है. ओके स्टूडेंट्स, हाला का घर. आज सफ़ा नंबर 7 पढ़ेंगे. सफ़ा नंबर 7 खोलें. थोड़ी देर बाद नवीद और ज़ैनब दोनों नाक पर रुमाल रख कर कहने लगे, हम आपके साथ नहीं खेलेंगे. ये देखें, नवीद और ज़ैनब ने नाक पर रुमाल रखा है और साजिद को वो क्या कह रहे हैं कि हम आपके साथ नहीं खेलेंगे. थोड़ी देर बाद
नवीद और ज़ैनब दोनों नाक पर रुमाल रख कर खेलने लगे, हम आपके साथ नहीं खेलेंगे। आपने सफ़ा नंबर 7 की पढ़ाई करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।